अस्सलाम वालेकुम। गीज़र ऑन करने वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा हुआ था कि हम लोगों का गीज़र का पायलट ऑन नहीं रहता। इसकी मेनली दो वजूहात हैं, या तो पीछे से प्रेशर कम आ रहा है या फिर पायलट की जो सेटिंग है गैस की वो लो पर है। पायलट का फ्लेम इंक्रीज़ करने के लिए आपने इस स्क्रू को खोलना है और इसके अंदर एक छोटा स्क्रू है, उसको आपने रोटेट करना है जिससे इसका प्रेशर बढ़ेगा। आइए अब आपको करके दिखाते हैं। अब हम इस स्क्रू को अनस्क्रू करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये देखिए, ये इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू है, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो प्रेशर जो है पायलट का वो इंक्रीज होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो प्रेशर कम होगा। ये देखिए, इस वक्त ये फ्लेम सबसे लो पर है। अभी हम लोग ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो फ्लेम की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। देखिए, अब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो इसकी स्पीड स्लो होगी फ्लेम की। मैं करना है जब पीछे से प्रेशर कम आ रहा हो, और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये पायलट का फ्लेम जो है वो प्लेट को टच हो रहा हो ताकि गीज़र जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो सके। ये देखिए, अभी हम बर्नर ऑन कर देंगे और ये गीज़र ऑन हो गया। हम ये सेफ्टी स्क्रू वापस लगा देंगे। आपको अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।